नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1984 के दंगा मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। भारत और मालदीव ने वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए प्रभावी बहुआयामी व्यवस्था के महत्व को दोहराया। लोकसभा में किन्नर अधिकार संरक्षण विधेयक पारित, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक सदन में पेश। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की सूची का विस्तार करने का निर्णय लिया। अभी तक एलपीजी कनेक्शन नहीं पाने वाले गरीब परिवारों के लिए मुफ्त कनेक्शन देने की स्वीकृति दी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नए मुख्यमंत्रियों ने पद की शपथ ली। चक्रवाती तूफान पेथाई आंध्र प्रदेश के तटों से गुजरा, इसके प्रभाव से तटवर्ती जिलों में भारी बारिश। और पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 5 विकेट पर 112 रन बनाए। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को 1984 के दंगा मामलों में हत्या की साजिश रचने का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश एस मुरलीधरन और न्यायमूर्ति विनोद गोयल की पीठ ने सज्जन कुमार को आपराधिक साजिश रचने और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का दोषी ठहराया है। न्यायालय ने कहा कि सज्जन कुमार को 31 दिसंबर तक आत्मसमर्पण करना होगा। न्यायालय ने सज्जन कुमार को दिल्ली छोड़कर नहीं जाने का भी निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय पूर्व कांग्रेस पार्षद बलवान खोखर, नौसेना के सेवानिवृत्त कैप्टन भागमल गिरधारी लाल, पूर्व विधायक महेंद्र यादव और किशन खोखर को भी इस मामले में दोषी करार दे चुका है। 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को उनके अंगरक्षकों द्वारा हत्या किए जाने के बाद ये दंगे हुए थे। कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने का राजनीतिक नेताओं ने स्वागत किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सच्चाई छुपाने की कोशिश नाकाम हो चुकी है। जजमेंट ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य है। हम में से अनेक लोगों के सामने 1984 में दिल्ली और देश भर के कई हिस्सों में जो कुछ हुआ वह शायद अब तक का सबसे भयावह नरसंहार था। ये सुनिश्चित करने की बजाय कि पीड़ितों को न्याय और दोषियों को सजा मिले, कांग्रेस सरकारें बार बार इसे छिपाने के काम में लगी रही। सूचना प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि सज्जन कुमार को सजा सुनाए जाने से 1984 के दंगों में उनका शामिल होना सिद्ध होता है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि 1984 दंगा के मामलों में सज्जन कुमार के बारे में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय से दंगा पीड़ित परिवारों को राहत मिली है। शिरोमणि अकाली दल नेता प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने मांग की है कि दंगों में शामिल अन्य कांग्रेस नेताओं पर भी मुकदमे चलाए जाएं। उधर कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि इस फैसले का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। ये पुरानी कार्रवाई है, कम से कम 20 साल से अलग अलग विभिन्न कार्रवाइयां चल रही हैं, उसमें से एक का निर्णय आज आया है। कानूनी कार्रवाई चलनी चाहिए, चल रही है, इसके बाद अपीलें होती हैं, तो मैं नहीं समझता कि इसमें राजनीतिक टिप्पणी करके राजनीतिक लाभ या राजनीतिक दुरुपयोग किया जाए। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद स्वालेह के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के बाद एक प्रेस वक्तव्य में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत मालदीव को 1 अरब 40 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता देगा। मुझे खुशी है इस प्रतिबद्धता की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति के तौर पर मालदीव के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बजट सपोर्ट, करेंसी स्वैप और रियायती लाइन्स ऑफ क्रेडिट के रूप में 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता भारत मालदीव को प्रदान करेगा। दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए भी भारत का पूर्ण सहयोग रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिष्टमंडल स्तर की वार्ता बहुत सार्थक रही और दोनों देश आपसी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने पर सहमत हुए। उन्होंने भारत और मालदीव के बीच नए वीजा समझौते का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत मालदीव के विकास, विशेष रूप से आर्थिक विकास में पूरा सहयोग देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग करने का संकल्प भी व्यक्त किया गया।
राष्ट्रपति सोली और मैं इस पर भी सहमत है कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए हमें अपने सहयोग को और गहन बनाने की जरूरत है। दोनों देशों के सुरक्षा हित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस क्षेत्र की स्थिरता के लिए एक दूसरे के हितों और चिंताओं के प्रति सचेत रहने पर भी हम एकमत हैं। मालदीव के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्ष हिंद महासागर क्षेत्र में समन्वित गश्ती और हवाई निगरानी के जरिए समुद्री सुरक्षा सुदृढ़ करने को सहमत हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। आओ बेटा, अब मेरी उम्र हो रही है, आज तुम दोनों के सामने ये बात होना जरूरी है। ये मेरी वसीयत है, यहाँ साइन कर दो। सिर्फ मेरा और भैया का नाम, दीदी का नाम क्यों नहीं है? केशव, बेटियों के नाम तो आज तक वसीयतों में और जमीनों में नहीं लिखे गए। पापा, जो आज तक नहीं हुआ वही तो करना है, आज से हम सब बराबर हैं। वकील साहब, एक नाम और जोड़ दीजिए, बच्चे ठीक कह रहे हैं। बेटों और बेटियों में फर्क क्या करना, बेटियों के पंखों को खुलने दीजिए, उन्हें उड़ने दीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही रफाल विमान सौदे सहित विभिन्न मुद्दों पर आज पांचवें दिन भी स्थगित रही। लोकसभा की कार्यवाही भोजनावकाश से पहले बार बार स्थगित किए जाने के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। भोजनावकाश के बाद जैसे ही सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, कांग्रेस सदस्य रफाल विमान सौदे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के गठन की मांग करते हुए फिर सदन के बीचों बीच पहुंच गए। दूसरी ओर सत्ताधारी भाजपा सदस्यों ने कांग्रेस पर रफाल मुद्दे पर देश को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा। लोकसभा ने विपक्षी दलों द्वारा संशोधन की मांग रद्द करते हुए किन्नर अधिकार संरक्षण विधेयक पारित कर दिया। शोर शराबे के बीच कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सदन में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम पेश कर दिया। शोर शराबा जारी रहने पर लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी। राज्यसभा की कार्यवाही भी रफाल लड़ाकू विमान सौदे और कावेरी मुद्दों को लेकर स्थगित रही। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदस्यों द्वारा विरोध और शोर शराबे के बीच सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की सूची में विस्तार को मंजूरी दे दी है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने सभी गरीब परिवारों को निशुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए उज्ज्वला योजना में विस्तार को मंजूरी दी है। समिति ने बिहार में पटना में गंगा नदी पर चार लेन के एक नए पुल के निर्माण को भी मंजूरी दे दी। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि नया पुल मौजूदा महात्मा गांधी सेतु पुल के समानांतर होगा। श्री प्रसाद ने कहा, महात्मा गांधी सेतु के समानांतर पटना में गंगा जी के ऊपर फोर लेन ईच का बनने जा रहा है एक नया पुल, जो उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के लिए एक बहुत ही बदलाव के क्षेत्र के रूप में काम करेगा। इस पर कुल राशि जो खर्चा होगी 2096.42 करोड़ और ये 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। भारत और मालदीव ने बहुआयामी वित्तीय संस्थानों को मजबूत करने और उनमें सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक निर्णयों में विकासशील देशों की भागीदारी बढ़ाने पर भी बल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद स्वालेह ने संयुक्त वक्तव्य में दोहराया कि वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए प्रभावी बहुआयामी व्यवस्था महत्वपूर्ण है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता पर भी जोर दिया। श्री मोदी ने मालदीव में विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों के लिए निवेश के अवसरों में विस्तार का स्वागत किया। मालदीव के राष्ट्रपति ने अपनी सरकार की पहले भारत नीति और भारत के साथ मिलकर कार्य करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी के लिए समर्थन दोहराया। मालदीव ने वर्ष 2021 के लिए अस्थायी सीट के वास्ते भारत की उम्मीदवारी के प्रति भी समर्थन दोहराया। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। पापा, कल मैं 15 की हो जाऊंगी, कहीं ले चलो। हाँ हाँ, चलेंगे ना, पोस्ट ऑफिस। मेरा मतलब घुमाने ले जाने से था।
घूमने भी जाएंगे लेकिन पोस्ट ऑफिस पहले जाएंगे। लेकिन क्यों? 5 या 15 की उम्र पर आधार में बच्चों के बायोमेट्रिक्स अपडेट करवाने होते हैं। ये अपडेट पोस्ट ऑफिस या बैंक के आधार केंद्र पर होता है। और उसके बाद मूवी। हाँ हाँ, उसके बाद मूवी। आधार केंद्रों की लिस्ट UIDAI.gov.in पर या 1947 पर कॉल करके मिलेगी। मेरा आधार, मेरी पहचान। ये आकाशवाणी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नए मुख्यमंत्रियों ने आज पद की शपथ ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत को आज राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। श्री सचिन पायलट ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जयपुर के ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल के सामने आयोजित हुए समारोह में राज्यपाल कल्याण सिंह ने दोनों नेताओं को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री के रूप में श्री गहलोत का यह तीसरा कार्यकाल है। वे 1996 में पहली बार जबकि 2008 में दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार आलाकमान से चर्चा के बाद ही राज्य मंत्री परिषद के बाकी सदस्यों के नामों पर निर्णय हो पाएगा। नवनिर्वाचित सरकार के सामने किसानों का कर्जा माफ करने, युवाओं को रोजगार देने तथा बेरोजगार युवाओं को 3300 रुपए तक बेरोजगारी भत्ता देने जैसे चुनावी वादों को पूरा करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने राज्य के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। छिंदवाड़ा से 9 बार लोकसभा सदस्य चुने गए कमलनाथ को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भोपाल के जमहूरी मैदान में शपथ दिलाई। श्री कमलनाथ ने अकेले ही शपथ ली। हमारे संवाददाता ने बताया कि शपथ लेने के कुछ घंटे बाद श्री कमलनाथ ने किसानों को 2 लाख रूपये तक के कर्ज को माफ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। नए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा के साथ राज्य में 4 नए परिधान पार्कों की स्थापना और छोटे किसानों की बेटियों के विवाह के लिए 26,000 रुपए की जगह 51,000 रुपए की वित्तीय सहायता देने के भी आदेश जारी किए। सरकार ने नई निवेश नीति के तहत अब उन कंपनियों को ही वित्तीय प्रोत्साहन देने के निर्देश दिए हैं जो अपनी कुल नौकरियों में कम से कम 70% नौकरियां प्रदेश के युवाओं को देंगी। उधर भाजपा ने कांग्रेस की ऋण माफी की घोषणा को आधी अधूरी और पक्षपातपूर्ण करार दिया है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेश बघेल ने आज शाम राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। श्री बघेल को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने रायपुर में इंडोर स्टेडियम में शपथ दिलाई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री बघेल छत्तीसगढ़ के तीसरे मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस के 2 वरिष्ठ विधायक टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू ने भी राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में शपथ ली। रायपुर में बीती शाम से हो रही बारिश के कारण ऐन वक्त पर शपथ ग्रहण समारोह का स्थान बदलना पड़ा। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, राजस्थान और पुदुचेरी के मुख्यमंत्रियों सहित कांग्रेस और यूपीए के घटक दलों के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान पेथाई आज तीसरे पहर आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में ककरेनी कोना के निकट पहुंच गया। इसके प्रभाव से राज्य के तटीय जिलों में भारी वर्षा हुई। पूर्व गोदावरी, गुंटूर, कृष्णा, विजयनगरम, विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा में भारी वर्षा हो रही है और तेज हवाएं चल रही हैं। राज्य के गृहमंत्री एन चिन्ना राजप्पा व्यक्तिगत रूप से स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। पर्थ क्रिकेट टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को जीत के लिए दूसरी पारी में 287 रन बनाने का लक्ष्य दिया है। जवाब में चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 5 विकेट पर 112 रन बना लिया थे। आकाशवाणी से आज प्रसारित होने वाले समाचार सेवा प्रभाग के साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक का विषय है कृषि क्षेत्र में सुधार के विभिन्न उपायों पर चर्चा। ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1984 के दंगा मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। भारत और मालदीव ने वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए प्रभावी बहुआयामी व्यवस्था के महत्व को दोहराया है। लोकसभा में किन्नर अधिकार संरक्षण विधेयक पारित हो गया है। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक भी पेश किया गया। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की सूची का विस्तार करने का निर्णय लिया है। अभी तक एलपीजी कनेक्शन नहीं पाने वाले गरीब परिवारों को मुफ्त कनेक्शन देने की स्वीकृति दे दी गई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नए मुख्यमंत्रियों ने पद की शपथ ले ली है। चक्रवाती तूफान पेथाई आंध्र प्रदेश के तटों से गुजरा जिससे तटवर्ती जिलों में भारी बारिश हुई है।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।